18 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए हमीरपुर पुलिस भी पूरी तरह से तैयार हो गई है। हमीरपुर पुलिस मतदानों की तरह शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना करवाने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा के अनुसार सभी जिला एसएचओ के साथ बैठक करके मतगणना के दिन के लिए ठोस रणनीति तैयार कर ली गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित हो सके। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि जिला के सभी एसएचओ के साथ बैठक करके मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में होने वाली मतगणना के लिए पुलिस जवानों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इलेक्शन काउंटिंग का क्योंकि एक सप्ताह ही रह गया है तो आज एसएचओ के साथ में और साथ ही हमारे एसडीपीओ के साथ में हमने मीटिंग रखी है जो कि काउंटिंग के दिन मतगणना जिस दिन की जाएगी उस दिन पुलिस की पूरी व्यवस्था सुरक्षा और बाकी सारे इंतजामों को देखते हुए आज इसमें चर्चा की गई। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह मतदान शांतिपूर्वक हमीरपुर पुलिस ने करवाए उसी तरह मतगणना भी पूरी तरह शांतिपूर्वक हम करवा पाए। गौरतलब है कि इस बार जिला हमीरपुर की पांचों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं और यहां पर ही मतगणना 18 दिसंबर को होना तय है, जिसके लिए जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है ताकि शांतिप्रिय तरीके से मतगणना संपन्न हो सके।